एक वो ध्रुव राठी बाहर से उठकर के आ गया जिसको इंडिया का ई भी नहीं पता होगा। इसलिए कहते हैं एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और जब बात एजुकेशन की आती है दोस्तों, दिल्ली वालों सोच समझ कर वोट डालना, क्योंकि इस मैप को देख लो। यूटाइज प्लस की 2018-19 और 21-22 की रिपोर्ट्स के आधार पर अरविंद वैरियर ने ये मैप बनाया। इसमें आप देख सकते हो पूरे देश भर में 3 सालों के अंदर अंदर 60,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। इसके बाद ओडिशा, असम, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, ये आप खुद देख सकते हो। देश की पॉपुलेशन ऊपर बढ़ रही है और देश भर में सरकारी स्कूल बंद हुए जा रहे हैं। और प्राइवेट स्कूलों की जहां तक बात आती है, चाहे ये उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या कर्नाटका हो, प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, डीपीएस रोहिणी की वेबसाइट पर उनकी एनुअल फीस देखिए, महीने के 15,550 रुपए, इसमें स्कूल बस भी ऐड कर लो तो महीने के 18,850 रुपए हुआ, और वो भी तब जब इस स्कूल को डीडीएल लैंड अलॉट हुआ था। इन्हीं फीस बढ़ोतियों की वजह से दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने इस स्कूल को डीरेकग्नाइज कर दिया था, लेकिन फिर ये स्कूल हाईकोर्ट में चला गया, उस पर स्टे लगवा लिया और फिर तारीख पे तारीख मिले जा रही है। इसलिए वोट देना उन्हें जो एजुकेशन को प्रायोरिटी बनाए, जो आपके घर के बच्चों को बढ़िया शिक्षा दिला सके और जो सरकारी स्कूलों को बेहतर बना सके। अनपढ़ और नफरतपूर्ण लोगों की पार्टी को भूलकर भी मत वोट दे देना, क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। क्या आप चाहते हो आपके बच्चों का ये हाल हो?